नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ इजहार असर साहब का नॉवेल मौत के बाद। आज इसकी चौथी किस्त सुनिए। चौथी किस्त, दो तीन रोज बाद ही अशीम सेहतियाब हो गया। लता ने उसे यकीन दिला दिया कि वो किसी भी हालत में अनिल से शादी नहीं कर सकती, वो किसी किस्म का शुभा ना करे। सिर्फ अपने पिताजी की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए वो कभी कभी अनिल के साथ घूमने चली जाती है या उससे मिलती जुलती है। एक माह बड़े सुकून और इत्मीनान से गुजर गया। अशीम अपनी जगह मुतमईन था। तन्हाई में अक्सर उसके दिल में शकूक पैदा होते, लेकिन वो लता की प्यार भरी और पुरजोश बातों को याद करके उन तमाम शकूक को दिमाग से निकाल देता और उसके तसव्वुर में खो जाता। लेकिन एक माह गुजर जाने के बाद अशीम के दिल में फिर शकूक ने जड़ पकड़नी शुरू की। उसने महसूस किया कि अब अनिल के साथ लता बहुत काफी वक्त गुजारने लगी है और उसकी जात में अब उसकी दिलचस्पी कम होती जा रही है। पहले वो रोजाना वक्त निकालकर एक दो घंटे के लिए अशीम से मिलने जरूर आती थी, अब उसने तीसरे चौथे रोज आना शुरू कर दिया था। इस दौरान वो अनिल के साथ लता को कई बार क्लबों और होटलों में देख चुका था और उसने अच्छी तरह महसूस कर लिया था कि अब उनके ताल्लुकात पहले से ज्यादा गहरे और संजीदा होने लगे हैं। अगरचे अब भी जब लता आती थी पहले ही की तरह गर्म जोश होती थी, तस्मे खा खा कर उसे यकीन दिलाती थी कि उसके दिल में सिवाय अशीम के कोई नहीं समा सकता, लेकिन फिर भी एक खामोश आवाज थी जो बार बार अशीम के कान में कहती थी कि नहीं, लता अब पहले से कुछ बदलती जा रही है, वो तुझे धोखा दे रही है और तेरे साथ ही अपने आप को भी। और आखिर दो तीन हफ्ते बाद उसके शकूक किसी हद तक पाए सबूत को पहुंच गए। लता 7-8 रोज के बाद अशीम से मिलने आई। अशीम ने अपनी जिंदगी का ये हफ्ता बड़े कर्ब और बेचैनी से गुजारा था। दिन रात सिर्फ लता का ख्याल उसके दिमाग पर छाया रहता था, जिसकी वजह से वो अपना काम भी ना कर सकता था। लता आई तो अशीम मेज पर झुका हुआ एक अफसाना लिखने की नाकाम कोशिश कर रहा था। बार बार कागज पर लता का चेहरा मुस्कुराने लगता और उसका कलम रुक जाता। लिखी हुई सतरें टेढ़ी मेढ़ी होकर कन खजूरों की तरह उसके जहन में रेंगने लगती। इतने ही में दरवाजा खुला और निकहते गुल की तरह दबे कदमों से लता कमरे में दाखिल हुई। खुशी के मारे अशीम के हाथों से कलम छूटकर गिर पड़ा। लता, उसने बेताबी से उठते हुए कहा और दौड़कर उसे अपनी आगोश में ले लिया। दो चार लम्हों की खामोशी के बाद उसने फिर कहा, तुम कहां चली गई थी? क्या अब तुम्हें मेरा ख्याल नहीं रहा? क्या अनिल की हमराही में अब तुम्हें इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती कि मुझ बदनसीब को अपनी सूरत ही दिखा जाओ? ये बात नहीं अशी, लता ने उसकी आगोश से निकलकर कुर्सी पर बैठते हुए कहा, बल्कि बात दरअसल ये है कि इन दिनों में बहुत ज्यादा परेशान रही। क्या परेशानी है? कुछ अपने दिल का हाल मुझे भी तो बताओ, अपने रंजो गम और परेशानी में मुझे भी तो शरीक करो। परेशानी सिर्फ वही है कि पिताजी किसी सूरत नहीं मानते, वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि शादी सिर्फ अनिल से होगी वरना नहीं।
फिर अब तुमने क्या फैसला किया है? अशीम ने उसकी बात काट कर कहा, मैं कोई फैसला नहीं कर सकी, मैं सख्त परेशान हूं अशीम। लता ने गहरी संजीदगी के साथ जवाब दिया, एक तरफ मेरा फर्ज है और दूसरी तरफ मोहब्बत, समझ में नहीं आता कि किस चीज को इंतखाब करूं। मैं तो पहले से तुमसे कह रहा हूं कि अनिल से शादी कर लो। अशीम ने मायूसी के अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, इस तरह पिताजी की खुशी भी हो जाएगी और तुम्हें भी एक अच्छा दौलतमंद शौहर मिल जाएगा। तुम्हारा मतलब है कि मैं अपनी मोहब्बत का गला अपने हाथों से घोंट दूं? मोहब्बत क्या, चंद रोज और साथ रहने के बाद अनिल से भी तुम्हें ऐसी ही मोहब्बत हो जाएगी। इतना तो हो ही गया है कि अब तुम्हारी नफरत खत्म हो गई है और अब तुम अनिल की जात में दिलचस्पी लेने लगी हो। अशीम, लता ने उसकी जानिब तीखी नजरों से देखते हुए मलामत आमेज लहजे में कहा, तुम फिर तंज करने पर उतर आए। मैं तंज नहीं कर रहा बल्कि हकीकत बयान कर रहा हूं लता, कि तुम्हारा अब एक हफ्ते तक मुझसे ना मिलना और अनिल के साथ ज्यादा वक्त गुजारना इस बात का सबूत नहीं कि अब मेरी जात में तुम्हारे लिए दिलचस्पी कम होती जा रही है और अनिल की जात में ज्यादा? मर्द बहुत शक्की होते हैं, लता ने मुख्तसर सा जवाब दिया। यह सिर्फ शक की बात नहीं है लता, नफ्सियाती तौर पर अनिल के साथ ज्यादा वक्त गुजारने का यही असर होना चाहिए था। इंसान किसी के साथ रहता है तो फितरी तौर पर उन दोनों में एक दूसरे के लिए दिलचस्पी बढ़ जाती है और हत्ता के एक रोज वही दिलचस्पी मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। बिल्कुल यही मामला तुम्हारे साथ पेश आ रहा है। तुम खा इस बात का एतराफ ना करो लेकिन ये हकीकत है कि अनिल की मोहब्बत अब तुम्हें गरा नहीं गुजरती। अब उसकी मौजूदगी तुम्हारे लिए बाएं से राहत होने लगी है और सिर्फ यही वजह है कि तुमने अब मुझसे मिलना जुलना कम कर दिया है। अशीम, भगवान के लिए ऐसी बातें मत करो, लता ने किसी कदर अफसरदा लहजे में कहा। तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हें धोखा दे रही हूं? नहीं, मुझे नहीं बल्कि अपने आप को धोखा दे रही हो, अशीम ने जवाब दिया। अशीम, आज तुम्हें क्या हो गया? मैं कम से कम ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं करती, लता ने किसी कदर नाराजगी के लहजे में कहा और अशीम खामोश हो गया। वो अच्छी तरह महसूस कर चुका था कि लता का रवैया आज बिल्कुल बदला हुआ है। आज उसकी वो गर्मजोशी और वालेहाना मोहब्बत का जज्बा बिल्कुल मफकूत था, बल्कि बेगानगी की एक हल्की सी झलक मौजूद थी। थोड़ी देर बैठकर लता वापस चली गई और अशीम रंजो गम से निढाल होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। मेरी समझ में नहीं आता, जनक ने कमरे में इधर उधर टहलते हुए कहा, जब वो तुम्हारी परवाह नहीं करती तो तुम उसके गम में अपनी सेहत क्यों तबाह कर रहे हो? अशीम ने, जो बिस्तर पर सर झुकाए बैठा था, अपना चेहरा ऊपर उठाया और जवाब दिया, मेरे दोस्त, अभी तुमने किसी से मोहब्बत नहीं की इसलिए मोहब्बत की लज्जत से नाश्ना हो। हकीकत यह है कि लता खा मुझे हमेशा के लिए भूल जाए लेकिन मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मैं इसे मोहब्बत नहीं कहता, यह सरासर हिमाकत है, जनक ने झल्ला कर कहा। जरा अपनी हालत पर गौर करो,
ऐसा महसूस होता है जैसे बरसों के बीमार हो, चेहरा पीला पड़ चुका है, अपने कारोबार की जानिब से तुम लापरवाह हो गए हो। आखिर इस तरह कैसे गुजरेगी? आमदनी खत्म हो गई तो सारी मोहब्बत रखी रह जाएगी। मकानदार मकान से निकाल बाहर करेगा, होटल वाला खाना खिलाने से इनकार कर देगा। मेरे दोस्त, जरा समझ से काम लो। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा। मेरी खुद समझ में नहीं आता कि क्या करूं, असीम ने मायूसी से कहा। करना क्या है, उसका ख्याल दिल से निकाल दो और इत्मीनान के साथ अपने काम में दिल लगाओ। तुम्हें एक नॉवेल लिखने के लिए प्लॉट मिल गया है, इसके लिए तुम्हें लता का शुक्रगुजार होना चाहिए। अच्छा, कोशिश करूंगा, असीम ने जवाब दिया। मैं भी इस कश्मकश के आलम से तंग आ गया हूं। मैं आज लता को आखिरी खत लिखता हूं, उसके बाद मैं उससे कोई वास्ता नहीं रखूंगा। इसमें कोई शक नहीं कि वो मेरे हवास पर पूरी तरह छा चुकी है, इसलिए उसे भुलाना मेरे लिए नामुमकिन होगा। लेकिन अगर उसने मेरे खत का फैसला कुन जवाब दे दिया तो कम से कम इस उम्मीद व यास की रूह फरसा तकलीफ से तो निजात पा लूंगा। हाँ, ये ठीक है, जनक ने कहा। अच्छा, अब मैं चलता हूं, कल फिर आऊंगा। उम्मीद है इस दरमियान में तुम्हारे खत का जवाब भी आ चुका होगा। ये कहकर जनक चला गया। जनक असीम का वाहिद जिगरी दोस्त था। वो दोनों एक दूसरे से भाइयों की तरह मोहब्बत करते थे और हमेशा एक दूसरे के दुख सुख में शरीक रहते थे। यही वजह थी कि असीम के दुख दर्द को जनक बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा था। वो उसे हर वक्त तसल्ली देता रहता और समझाता रहता था कि वह लता को भूलकर दोबारा अपने काम में दिलचस्पी ले। जनक के जाने के बाद असीम ने लता को खत लिखा। लता, तुम सलामत रहो कयामत तक, और कयामत खुदा करे के ना आए। कई रोज से सोच रहा था कि तुम्हें खत लिखूं और अपनी किस्मत के बारे में तुम्हारा सही फैसला मालूम कर सकूं, लेकिन हर बार मेरी बुजदिली आड़े आई और मैं खत ना लिख सका। मैं डरता हूं कि अगर जवाब मेरी उम्मीदों के खिलाफ हुआ तो क्या होगा। लेकिन लता, अब ये उम्मीद व यास का आलम, ये तजद्दुब की कैफियत नाकाबिले बर्दाश्त हद तक अजियतनाक बन गई है। अब मैं ज़्यादा देर तक इस कश्मकश का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए मजबूरन कलम उठा रहा हूँ। ये खत तहरीर करने का मकसद सिर्फ ये है कि तुमने मेरे बारे में जो कुछ फैसला किया उस साफ अल्फाज में तहरीर कर दो, ताकि मैं किसी सही नतीजे पर पहुंच सकूं। इस बात का मैं अपनी जानिब से यकीन दिलाता हूं कि अगर फैसला मेरे खिलाफ भी है, अगर वाकई अनिल मेरी जगह ले चुका है, तो आइंदा मैं तुम्हें अपनी सूरत दिखाकर परेशान नहीं करूंगा। इसमें शक नहीं कि मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं भुला सकता। तुम मेरी जिंदगी का नाकाम मकसद बनकर हमेशा मेरे दिल में नश्तर की तरह चुपती रहोगी। जिंदगी के आखिरी सांस तक तुम मेरी याददाश्त पर कायम रहोगी, क्योंकि मैंने तुमसे हकीकी मोहब्बत की है और मैं इस मोहब्बत के बदले में तुमसे किसी रियायत का ख्वाहिशमंद नहीं हूं। मोहब्बत बदला नहीं चाहती। अगर वाकई तुम्हें अनिल से मोहब्बत हो गई है तो तुम खुशी से उससे शादी कर लो। मेरी नेक दुआएं तुम्हारे साथ हैं, लेकिन कम से कम मुझे इस उलझन से जरूर निजात दिला दो। साफ अल्फाज में तहरीर फरमा दो कि मैं कोई तुमसे उम्मीद वाबस्ता रखूं
या अपनी जिंदगी के लिए कोई दूसरा रास्ता तलाश कर लूं। तुम्हारा आशीम। खत पर लता का पता लिखकर वो खुद ही लता की कोठी के दरवाजे पर लगे हुए लेटर बॉक्स में डाल आया। उसे यकीन था कि कल तक उसे खत का जवाब जरूर मिल जाएगा और उसकी उम्मीद के मुताबिक अगले रोज उसे लता का खत मिल गया। दूसरे रोज जनक आशीम के कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि आशीम बिस्तर पर बेहोश पड़ा है और एक कागज नीचे फर्श पर गिरा हुआ है। जनक ने दौड़कर वो कागज उठाया तो पता चला कि वो लता का खत था, लता का आखिरी खत जिसमें उसने आशीम की किस्मत का फैसला कर दिया था। जनक ने एक नज़र में सारा खत पढ़ लिया और नफरत के अंदाज में मुंह बनाकर एक मोटी सी गाली लता को देते हुए खत फिर नीचे फेंक दिया और आशीम को होश में लाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद ही आशीम ने आंखें खोल दी और वहशियों की तरह जनक को घूरने लगा, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। कैसी तबीयत है आशीम? जनक ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा। अब ठीक है, आशीम ने बेजान आवाज से जवाब दिया। मैंने कल लता को खत लिख दिया था, आज उसका जवाब आ गया है। हाँ, मैं पढ़ चुका हूँ, जनक ने अफसोस के अंदाज में सर हिलाते हुए कहा। तुम खामखा एक बेवफा का गम कर रहे हो, मैंने पहले ही तुम्हें समझा दिया था कि लता एक दौलतमंद बाप की बेटी है, उससे वफा की उम्मीद रखना सरासर नादानी है। हाँ, तुम ठीक कहते थे जनक, आशीम ने छत पर निगाहें जमाते हुए कहा। वाकई तुम ठीक कहते थे, लता एक दौलतमंद बाप की बेटी है और दौलतमंद सच्ची मोहब्बत की कदर करना नहीं जानते, वो सिर्फ दौलत के भूखे होते हैं। मेरे पास सच्ची मोहब्बत ज़रूर थी, लेकिन अफसोस है कि दौलत नहीं थी, और अनिल के पास बेइंतहा दौलत थी जिसने आखिरकार मेरी मोहब्बत को शिकस्त दे दी। चलो खैर, जो होना था हो गया। भगवान के लिए अब तुम अपने आप को संभालो और ख़ुद को काम में मसरूफ़ रखकर दिल बहलाने की कोशिश करो। ओह, तुम फिक्र मत करो जनक, अब मैं पूरी तनदेही से अपने काम में मशगूल हो जाऊंगा। इस कदर सख्त सदमा सहने के बावजूद कम से कम अब मैं इस कश्मकश से तो निजात पा ही चुका हूं। कल से ही मैं नया नावल शुरू कर रहा हूं, अपनी नाकाम मोहब्बत का सच्चा नावल, जिसकी हीरोइन लता होगी। और उसका इंतसाब किसके नाम करोगे? जनक ने उसे बातों में बहलाने की गरज से मुस्कुराकर पूछा। इंतसाब, आशीम ने कुछ सोचते हुए कहा, उसका इंतसाब मैं लता के नाम करूंगा, उसके खूबसूरत जिस्म के नाम करूंगा जिसे मैं हासिल ना कर सका। लेकिन किस्मत आशीम के सिरहाने खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो अपने इरादे के मुताबिक अगले रोज नावल शुरू ना कर सका। वो दरअसल खुद को फरेब दे रहा था। वो समझ रहा था कि मैं लता की जुदाई का ये सदमा बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन हकीकत में ऐसा था नहीं। वो ये अजीम चोट सहने के काबिल नाकाबिल था। इसका नतीजा ये निकला कि उसी रोज उसे तेज बुखार हो गया और वो बहुत सख्त बीमार पड़ गया। जनक आशीम की यह हालत देखकर बहुत घबराया। डॉक्टर ने जनक को बताया कि उसके दिलो दिमाग पर बड़ा जबरदस्त सदमा पहुंचा है, इसलिए उनकी तीमारदारी बड़ी देखभाल से होनी चाहिए, वरना उनकी जिंदगी खतरे में। जनक यह सुनकर बड़ा परेशान हुआ। घर पर आशीम अकेला रहता था, इसलिए सवाल पैदा हुआ
कि उसकी देखभाल कौन करेगा। आखिर बहुत सोच विचार के बाद वो असीम को अपने मकान पर ले आया और खुद ही उसकी तीमारदारी करने लगा। लेकिन असीम की हालत मर्ज बढ़ता गया जू जू दवा की। उसकी अलालत डॉक्टरों की उम्मीद के खिलाफ तूल पकड़ती गई। 3 तवील माह गुजर गए और असीम की हालत दुरुस्त न हुई। जनक ने असीम के मकान से उसका सारा सामान भी अपने घर पर ही मंगा लिया और मकान खाली कर दिया। इस दौरान डॉक्टर से मशवरा करने के बाद उसने लता को भी उसकी जानिब से इत्तला दे दी। डॉक्टर का ख्याल था कि शायद लता को देखकर उसकी हालत रूबसहत हो जाए, लेकिन लता उसको देखने के लिए ना आई, हत्ता कि उसने जनक के खत का जवाब तक ना दिया। मगर असीम भी बड़ा सख्त जान था, या ये कहिए कि जनक की अनथक तीमारदारी और पुरखलूस खिदमत ने अपना असर दिखाया और असीम 3 माह बाद सेहतयाब होना शुरू हो गया। फिर भी चूंकि बीमारी तूल पकड़ गई थी, इसलिए उसे पूरी तरह सेहतयाब होने में 6 माह लग गए। ठीक 6 माह बाद असीम ने गुस्ल सेहत किया। वो अपनी जिंदगी के लिए जनक का ममनून था, वरना उसके मरने में कोई कसर बाकी नहीं रही थी। जनक ने उसे बता दिया था कि सख्त बीमारी का हाल सुनकर भी लता उसे देखने नहीं आई। चाहिए तो ये था कि असीम इस वाक्य से सबक लेता और लता का ख्याल जैसे निकाल देता, लेकिन ऐसा हो ना सका। लता की मोहब्बत में इस बात से भी कोई फर्क ना आया। वो सही मानों में लता से मोहब्बत करता था, इसलिए वाकई उसकी जानिब से किसी मुआवजे का ख्वाहिशमंद नहीं था। वो उसे अपने तसव्वुर के मंदिर में बिठाकर पूछता था और इसी में खुश था कि लता नहीं तो कम से कम उसकी याद तो उसके साथ है। तो ये थी मौत के बाद की 4th किस्त। कल फिर आऊंगा, आपको इसकी 5वीं किस्त सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत, आदाब।